Don't touch me! Don't touch me! I'm telling you! Don't touch me! ये नया रूप है इनका. Don't touch me! पेंसिल है ये. और ये क्या है? छोटी पेंसिल. तो अब ये क्या हुए? दो पेंसिल. वो कार्तिक तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि वहाँ कोई प्यार का पैमाना नहीं होता है, ना ही उम्र का बंधन होता है, और ना ही रंग का भेदभाव होता है, और ना ही धर्म की अड़चन होती है. इसलिए आपने कई हिंदू एक्ट्रेस को मुस्लिम एक्टर्स या मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करते हुए देखा होगा. लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टीवी की बहुओं से मिलाऊंगा जो थी तो हिंदू लेकिन उन्होंने मुसलमान से शादी करके आज वो एक मुस्लिम बन चुकी है. तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शुरू से एंड तक जरूर देखना. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है. आप नीचे कमेंट सेक्शन में किसी को भी हेट ना दीजिएगा. दीपिका कक्कर टीवी जगत की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है जिन्होंने ससुराल सिमर का में सिमर का किरदार निभाया था. दीपिका बिग बॉस 12 की विनर भी रह चुकी है. दीपिका ने शादी टीवी के फेमस एक्टर शोएब इब्राहिम से कर रखी है. दीपिका और शोएब की मुलाकात ससुराल सिमर का में ही हुई थी. शोएब इसी शो में दीपिका के अपोजिट उनके को एक्टर थे और इसी शो के दौरान शोएब दीपिका को पसंद करने लगे थे. लेकिन उस टाइम दीपिका की पहले से ही शादी हो चुकी थी, वो रौनक से शादी कर चुकी थी जो कि एक लव मैरिज थी. दीपिका की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी. दीपिका ने अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन इनका रिश्ता आखिर में टूट गया और 2015 में इनका तलाक हो गया. तब दीपिका बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ गई थी. तब सोए भी थे जिन्होंने इनका साथ दिया और इनको समझा और इसी दौरान शोएब और दीपिका एक दूसरे के नजदीक आ गए. नचबली 8 में दीपिका को प्रपोज कर दिया और दीपिका ने हाँ कर दिया. से शादी करोगी? कभी परेशान नहीं करूंगा, हमेशा खुश रखूंगा. 2018 में इन्होंने शादी कर ली और अब ये बहुत ही खुशनुमा जिंदगी बिता रहे हैं जिसको आप अपने ब्लॉग चैनल पर देख सकते हैं. जैस्मीन भसीन 2011 में तमिल फिल्म वनाम से अपनी शुरुआत की लेकिन 2015 में टस ने इश्क में प्रियंका तनेजा के रूप में इन्हें असली पहचान मिली, जिसके बाद दिल से दिल तक, दिल तो हैप्पी है जी और बहुत सारे न जाने कितने टीवी सीरियल किए, जिसके बाद इनकी मुलाकात अली गोनी से हुई. तब सिर्फ ये महज दोस्त थे लेकिन इनकी नजदीकियां तब बढ़ गई जब ये खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में पहुंचे. तब जैस्मीन को अली से प्यार होने लगा. जैस्मीन ने अली को बताया भी लेकिन अली गोनी तब इस रिश्ते को केवल दोस्ती तक ही रखना चाहते थे. लेकिन जब ये बिग बॉस 14 में आए तब ये एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे और जैस्मीन अपने दिल की बात तो बताती रहती ही थी लेकिन अली गोनी कभी भी खुल के बात नहीं करते थे. लेकिन अभी हाल ही में अली गोनी ने भी जैस्मीन को प्रपोज कर दिया है और अब ये बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले हैं. जब भी आपको देखता हूं आई फील कि मैं सेफ हूँ. हैप्पीनेस दिखती है कि बस मैं खुश रहूं. देवोलीना भट्टा चार जी साथ निभाना सात्या की गोपी बहू जिन्होंने हाल ही में 14 दिसंबर 2022 को बहुत ही सिंपल और सीक्रेट तरीके से शादी कर ली. इन्होंने सहनवाज शेख के साथ शादी कर ली. इसके बाद लोग बहुत ही ज्यादा चौंक गए क्योंकि इन्होंने कभी भी सहनवाज शेख के साथ कोई फोटो शेयर नहीं की थी और ना ही कभी इन्होंने सहनवाज शेख के बारे में किसी को बताया क्योंकि ये अपनी फोटोज अपने को एक्टर विशाल के साथ डाला करती थी. इनकी फोटोज और वीडियोज को देखने के बाद ये लगता था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन इस शादी के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं. देवोलीना सहनाज को 3 साल से डेट कर रही हैं. साथ निभाना सीरियल के दौरान देवोलीना का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सहनवाज शेख ने उनकी काफी मदद की. ये अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रही थी तभी सहनवाज शेख ने इनको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और इनकी बहुत ही ज्यादा मदद भी की और इस दौरान इनकी नजदीकें बढ़ी और इन दोनों में प्यार हो गया और अब ये लोग शादी के बंधन में बंध चुके हैं. शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का किरदार निभाकर सबका दिल जीत लिया था. इस शो में इनकी मुलाकात हुई थी मोहसिन खान से जो इनके को एक्टर थे जो कार्तिक का किरदार निभा रहे थे. ऑन स्क्रीन की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी. ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब ये एक दूसरे से प्यार कर बैठे. जब एक इंटरव्यू में मोहसिन खान से शिवांगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो शिवांगी की मासूमियत पे दिल हार बैठा हूं और उसको प्यार करने लगा हूं. खुलेआम
अपने प्यार का इजहार उन्होंने कर दिया था। खबरें तो यहाँ तक आ रही थी ये दोनों एक ही वैनिटी यूज करते हैं और बहुत ही जल्द ये दोनों शादी करने वाले हैं। तभी एक खबर मीडिया पे आने लगी कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। कई लोग इस खबर को सच बताते हैं तो कई लोग इसे झूठ मानते हैं। जब इन दोनों से इनके बारे में पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि अभी हम अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये दोनों अभी भी साथ हैं या ये दूर हो चुके हैं? अगर आपको इनकी जोड़ी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में सेविन जरूर लिखिएगा। रुचिका कपूर, बहुत कम लोग इस नाम से वाकिफ होंगे क्योंकि रुचिका बहुत कम समय के लिए एक्टिंग की दुनिया में इन्होंने कदम रखा था, लेकिन ये बालाजी हाउस में एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर और कंजुकेटिव वॉइस प्रेसिडेंट है और इनकी मुलाकात टीवी के फेमस एक्टर साहिर शेख से हुई, जो कुछ रंग प्यार के ऐसे में देव दीक्षित और महाभारत में अर्जुन के किरदार के नाम से जाने जाते हैं। एक पार्टी में साहिर और रुचिका बहुत अच्छे फ्रेंड बने और 19 अक्टूबर 2020 को शादी के बंधन में बंध गए और आज बहुत खुशनुमा जीवन बिता रहे हैं। तो ये थी टीवी जगत की वो एक्टर्स जो थी तो हिंदू लेकिन इन्होंने मुस्लिम लड़के या मुस्लिम एक्टर से शादी कर ली। इनमें से आपका फेवरेट कपल कौन है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और इस वीडियो को देखने के बाद इस पे ऐसी कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसको केवल इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही लीजिएगा। आपने वीडियो देख लिया है यहाँ तक और नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।